हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिक्षा सो गाइस माय नेम इज़ केतन गर्क ओके तो जो लेक्चर्स आप देखते हो तो यू मे नॉट नो मी माय बाय माय फेस टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अ स्मॉल थिंग एक छोटा सा इशू डिस्कस करना है जो जब मैं स्टूडेंट था जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करता था मुझे काफ़ी टाइम बाद शायद वो रियलाइज़ हुआ और अभी भी एज अ मेंटर जब मैं देखता हूँ कोई एग्ज़ाम आता है तो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह के ऊपर ना जो वेरियस टीचर्स पढ़ा रहे हैं या इंस्टीट्यूट हैं उन वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है टॉपर्स इंटरव्यू तो आज उसी के बारे में कुछ मैं बात करने आया हूँ ये जो टॉपर्स इंटरव्यू होते हैं और बच्चे बड़े दीवानों की तरह एज uh, एस्पायरेंट as आप लोग बड़े दीवानों की तरह देखते हो कि यार टॉपर की बात सुनते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है टॉपर्स इंटरव्यू में लेकिन अल्टीमेटली इतने ज़्यादा टॉपर्स इंटरव्यू आने लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है आपने एक आधे किसी टॉपर की बात सुन ली या आपके कि कोई नोन में है आपने जाकर के फेस टू फेस उनसे बात की कुछ उनका एक्सपीरियंस जाना सुना समझने की कोशिश की वो एक अलग चीज़ है बट आप लगातार बस वो टॉपर्स के इंटरव्यू देखते जा रहे हो और देखो YouTube के ऊपर तो जो टॉपर्स इंटरव्यू जाने डाले जाते हैं ना उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है वो स्ट्रैटेजी क्या होती है वो स्ट्रैटेजी ये होती है कि अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट को अपना माल बेचना है आप उसके ग्राहक को कस्टमर हो सीधी सी बात ये समझो और उसको अपना माल तुम्हें बेचना है तो वो क्या करेगा पहले तो टॉपर से इधर उधर की सब बातें करवाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं बीच बीच में टॉपर बोलता रहेगा कि भाई फलाने का कोर्स लिया था मैंने तो मैंने तो इसी इंस्टीट्यूट का कोर्स लिया था तभी मेरा पेपर क्लियर हुआ मेन स्ट्रैटेजी ये होती है तुम उसके ग्राहक हो वो दुकानदार है वो बेचने वाला है लेकिन वो वो क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए मैं उसका प्रैक्टिकल रीजन दे रहा हूँ ऐसा नहीं है कि अब आप कहोगे कि सर आपके पास कोई टॉपर होगा नहीं बिठाने को बेटा टॉपर बहुत है बिठाने को ठीक है ऐसा नहीं है चार साल से पढ़ा रहे हैं टॉपर बहुत है बिठाने को लेकिन टॉपर क्यों एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट और एक मेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है जिस बच्चे ने पेपर क्लियर कर लिया उसने किस माइंडसेट से पेपर दिया था कुछ बच्चों का पॉजिटिव माइंडसेट होता है कुछ बच्चों का नेगेटिव माइंडसेट होता है कुछ बच्चों के दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जॉब लेने का फैमिली सिचुएशंस की वजह से और कुछ के ऊपर नहीं होता उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है उसका पास्ट में जो वो स्कूल में जब पढ़ रहा था कॉलेज में जब पढ़ रहा था उसका बेस कैसा क्रिएट हुआ है उसका बेसिक कैसा है जो हिस्ट्री के एनसीआरटीज आप अब जा करके पढ़ रहे हो और वो पढ़ते हुए आपको लगता है यार ये क्या है ये मैं पढ़ कर के निकला हूं सिक्स टू टेंथ क्लास में क्या पता उसने वो बहुत अच्छे से पढ़ी हो हर किसी का आईक्यू लेवल अलग होता है कोई चीज आपको अगर दो घंटे में समझ आ रही है तो हो सकता है आप ऐसे टॉपर की बात सुन रहे हो जिसको वो चीज वो आधे घंटे में कवर कर लेता हो समझ रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है तो उस टॉपर की स्ट्रेटेजी को आप अपने ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो आप अलग हो वो अलग है हर इंसान अलग है हर किसी का माइंडसेट अलग है हर किसी का प्रेशर अलग है हर किसी का आईक्यू अलग है बेस में आपने कैसी पढ़ाई करी है हर किसी की वो अलग है ग्रेजुएशन में आप लोगों ने क्या करा है वो अलग है अब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा और एक आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा दोनों अलग अलग है ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग वाला कोई बहुत बॉम्ब का गोला है या तोप है लेकिन दोनों का जो बैकग्राउंड है वो अलग है तो आप कैसे कंपेयर करोगे उसको देखो अल्टीमेटली एक आध से आपने सुन लिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है वो ठीक है लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है हाँ अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको फोन करता है या आप किसी इंस्टीट्यूट से बात करते हो या किसी मेटा से बात करते हो तो वो पहले आपके बारे में जानेगा अब जैसे मेरे पास बहुत से बच्चों के फोन आते हैं कि सर कैसे प्रिपेयर करें तो मैं फालतू बातें नहीं करता कि ऐसे कर दे तू ऐसे कर दे सबसे पहले मैं उसको पीछे से समझने की कोशिश करता हूं ग्रेजुएशन में क्या किया तूने पहले कौन से पेपर दिए हैं ठीक है कौन से कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड है उसके हिसाब से हम आपको मेंटर कर सकते हैं कि हाँ यार तेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि तू 12 घंटे पढ़ करके कर पाएगा या 6 घंटे पढ़ करके कर पाएगा अब किसी टॉपर ने बोल दिया कि जी मैं तो अट्ठारह घंटे पढ़ता था मैं तो अट्ठारह घंटे तैयारी करता था तब जाके पेपर क्लियर हुआ है क्या पता उसको इंसॉमनिया की बीमारी हो इंसोमनिया को वो उसको नींद ही ना आती हो आप भी लगे हो अठारह अट्ठारह घंटे ऐसे किताब खोल करके बैठे हो गर्दन ऐसे ऐसे हिल रही है तो फायदा क्या हुआ कुछ समझ नहीं आएगा दूसरी तरफ किसी टॉपर ने कह दिया मैं तो बस चार घंटे पांच घंटे पढ़ता था जी अपने को तो चार पांच घंटे में अपनी तैयारी हो जाती थी बेटा क्या पता उसका आईक्यू तुमसे दस गुना ज्यादा अच्छा हो समझ रहे हो तो कैसे वो तो आपको अपने हिसाब से जज करना पड़ेगा जी मेरा इतना सिलेबस है मेरे को इतनी चीजें प्रिपेयर करनी है मेरे को इतना टाइम देना पड़ेगा और इसमें आपको पर्सनली हेल्प करते हैं आपके मेंटोर आपके मेंटोर इसमें आपको हेल्प करते हैं ये टॉपर्स इंटरव्यू आपको नहीं हेल्प कर सकते मेरे से लिखवा करके ले लो ये सिर्फ और सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उस टॉपर ने कह दिया ये छोड़ दो उस टॉपर ने कह दिया ये छोड़ दो अल्टीमेटली दस टॉपरों की बात सुन ली दस ने अलग अलग चीजें छोड़ने को कह दी सिलेबस में पूरे का पूरा सिलेबस छोड़ गए तो अगर मेंटरशिप लेनी है तो किसी भी टीचर से एक्सपर्ट से मेंटरशिप लो अब मैं बच्चों को खुलेआम बोलता हूँ वीडियोज में मैं टेलीग्राम का चैट ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है ईमेल आईडी दे रखी है कमेंट करने को बोलता हूँ आप अगर कॉल पे बात करना चाहते हो मैं कहता हूं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो एक टाइम फिक्स करके हम कॉल पे बात कर लेंगे और जिन बच्चों ने मुझसे बात की है वो आपको अगर कमेंट में बताना चाहे बता सकते हैं आधा घंटा एक घंटा डेढ़ घंटा उसके ऊपर फिर मैं टाइमिंग नहीं देखता हूं कि मेरे से एक घंटा बात कर ली और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो उसका कोई चार्ज नहीं होता तो वो एक मेंटरशिप होती है कि आपका समझें तो सही हम पहले आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप किस लेवल के ऊपर खड़े हो लेकिन टॉपर्स जो इंटरव्यू होते हैं वो आपके माइंड में सिर्फ मिथ क्रिएट करते हैं बेटा सिर्फ मिथ क्रिएट करते हैं तो ये टॉपर्स इंटरव्यू देखने बंद कर दो और यही बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे मिलने इस वीडियो के अंदर आया हूं कंफ्यूज मत करो खुद को बहुत ज्यादा अपने ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप अपने टीचर से जाकर के बात करो कि सर मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो टीचर आपको अल्टीमेटली गाइड करेगा ये टॉपर नहीं बेटा मैं आपको एक बात बताऊं जब कामयाबी मिल जाती है ना तो फिर तो गधा भी घोड़ा लगने लगता है ये बात मेरी ध्यान में रखना कभी भी ये मत सोचना कि ये जो टॉपर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये पहाड़ तोड़ने वाले लोग होते हैं नहीं जब गधा रेस जीत जाता है तो उसको घोड़े वाली ही फीलिंग आती है मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए नहीं बोल रहा मैं बट बट टॉपर्स इंटरव्यू देखने बंद कर दो ये जो टॉपर होते हैं इनको पैसे दे करके यूट्यूब के ऊपर लाया जाता है इंस्टीट्यूट के अंदर बुलाया जाता है और इसके अंदर अगर मेरे से कोई टॉपर आकर के कमेंट में बहस करना चाहे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है पैसे दे करके इनको लाया जाता है जितना ऊपर रैंक उतनी ज्यादा फीस होती है उस टॉपर की समझ रहे हो और अल्टीमेटली मेन एम ये होता है हमने तो जी इससे करंट अफेयर पढ़े थे फिर किसी यूट्यूब चैनल हमने तो इसकी टेस्ट सीरीज ली थी हमने तो इसका वीडियो कोर्स लिया था ये उनका काम होता है ठीक है तो बी स्मार्ट प्ले स्मार्ट टीचर आप कोई भी हो आपका जरूरी नहीं है कि आप मुझसे पढ़ो किसी भी टीचर से पढ़ो किसी भी मेंटर से पढ़ो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ो उनसे इंटरेक्ट करो आप टॉपर्स की रिलायबिलिटी पे मत रहो ओके चलिए मिलेंगे आप कंटेंट लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में है एंड टेक केयर एंड बाय